राधे राधे। आज आप देखिए मेरे पीछे सनसेट हो रहा है, मतलब सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहा है। ये वो सूर्य है जो सबको प्रकाश दे देता है। त्रिलोकी में इसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित हैं, परंतु इनके भी जीवन में ये समय भी आता है जहां पर इनको अस्ताचल की तरफ जाना पड़ता है। सूर्य सबको तपा देने वाला स्वयं अस्त हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम सबकी लाइफ में। हमें कुछ भी प्राप्त होता है, हम घमंड के मारे इतना अहंकार, इतना ईगो अर्जित कर लेते हैं कि उसके बाद अपने आगे हम किसी को गिनते नहीं है, अपने आगे हम किसी को समझते नहीं है। लेकिन एक बात सोचिए, ये वृक्ष हमेशा था नहीं और हमेशा रहेगा नहीं। ये जितनी भी प्रकृति है बदलती रहती है। ये सूर्य जो दोपहर में सबको तपा देता है, किसी को बाहर नहीं निकलने देता है, अब स्वयं ही अस्ताचल की तरफ जा रहा है। द सेम थिंग, आपके जीवन में भी कुछ पल ऐसे आते हैं जब आप सफल होते हैं, और जब आप सफल होते हैं तब अगर आप अभिमानी हो जाएं, ईगो वाले हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत शीघ्र अस्ताचल की तरफ जाने वाले हैं। और हाँ, सफल होने के बाद, सक्सेस होने के बाद भी अगर आप अभिमानी नहीं है, ईगो आप में नहीं है, तो मैं भी कुछ समय तक आप प्रकाशित रहें और दूसरों को भी प्रकाशित करते रहें। मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा, दुनिया की तो चलेगा, सूरज की तीन दशा होते एक दिन में, सूर्य की भी तीन दशा होती हैं। जन्म होता है, पूर्ण प्रकाश होता है, फिर अस्त हो जाता है। यही हमारे है बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बुढ़ापा ही तो अस्ताचल है। तो इसलिए कुछ भी मिलने पर अभिमान मत कीजिए, बल्कि भगवान का प्रसाद समझकर उसे स्वीकार कीजिए। विनम्रता बनाए रखिए, दूसरों का बुरा नहीं, बस अपने आप को झुकाए रखिए। यही जीवन का राज है, और जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है। काम आदमी का औरों के काम आनंद। तो सेल्फिश नहीं, परोपकारी बनिए, अभिमानी नहीं, थोड़े स्वाभिमानी बनकर विनम्र बनिए, जीवन में सफलता मिलेगी। धन्यवाद। राधे राधे।